टिप्पणी है या सरकार सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भावना बेरोजगारी मिटाने का व्रत लिया है और सभी नौजवानों को रोजगार देने के लिए तैयार है, भ्रष्टाचार पर लगा। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का आज अपने गृह जिला सिवान में हुआ आगमन। उनके आगमन को लेकर बहुत सारी जगहों पर भव्य स्वागत कार्यक्रम भी किए गए। वहीं बात करें चर्चित समाज सेवी मुन्ना चौधरी की, तो मुन्ना चौधरी तरवारा और अफराद के बीच में कनपुरा बाजार पे भव्य स्वागत कार्यक्रम रखे हुए थे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे और मुन्ना चौधरी खुद अपने घर से एक विशाल काफिला लेकर कनपुरा पहुंचे और वहां पर बहुत ही गर्वजोशी के साथ मुन्ना चौधरी ने माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया, जिसके बाद से हजारों की संख्या में लोग सिवान के लिए रवाना हो गए। तो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से और क्या कुछ कहते हैं लोग आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है और बता दें कि आपको आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का भव्य स्वागत सिवान में होने वाला है। सिवान में पहली बार आए हैं अध्यक्ष बनने के बाद, उसको लेकर सिवान के चारों तरफ उनकी स्वागत की तैयारियां की गई है। तो अभी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तरवारा और अफराद के बीच में कर्णपुरा बाजार है, उसी बाजार से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का सिवान की धरती पर स्वागत हो रहा है। वर्तमान में वो विधानसभा के स्पीकर बने हुए हैं, उसके पास से कहीं ना कहीं सिवान वासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और सिवान के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सिवान की धरती से बिलोंग करने वाले नेता आज पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बिहार का जो सबसे गरिमामय पद है स्पीकर का पद, उस पर उनको आसीन किया गया है। उसके बाद आइए हम जानते हैं जो चर्चित समाज सेवी हैं मुन्ना चौधरी, उनके बहुत खुशी का दिन है कि हमारा गांधी हमारे धरती पर उतर चुका है और उनको स्वागत करने के लिए हम लोग खड़े हैं। तो इसके पहले भी तरवारा में आपने काफ़ी ज़ोरदार स्वागत किया था जब सरकार बना था महागठबंधन की, और आज स्पीकर के पद पर हैं, बड़ा संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादा वाला पद है, तो क्या आप उम्मीद करेंगे? बेहद खुशी है और खुशी के साथ साथ उम्मीद भी है कि हमारे अभिभावक हमारे गार्जियन बहुत सुचारू ढंग से इस विधानसभा को चलाने का काम करेंगे और लोगों को सीख भी मिलेगा कि नेता भी अपने देश में किस इस तरह का भी है। बिल्कुल। तो आइए, प्रखंड प्रमुख पति हैं अली भाई, समाज सेवी व्यक्ति रहे और साथ ही साथ कार्यक्रम में ये हमेशा मौजूद रहे अवध बिहारी चौधरी के, आज भी माला लेकर के पहुँचे हैं स्वागत करने के, क्या कहेंगे अली भाई? बहुत अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है जी। सिवान के गांधी श्री अवध बिहारी चौधरी जी, हम सबके गार्जियन और बिहार सरकार में स्पीकर बनने के बाद वो पहली बार सिवान के धरती पर आ रहे हैं और इसी स्वागत में हम लोग खड़े हैं सभी। तो हम देख रहे हैं कि आप लोग अपना गाड़ियों का काफिला लेकर के बजाबते फूल माला के साथ आप लोग पहुंचे हुए हैं और काफ़ी जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, क्या उम्मीद करेंगे उनसे? जी हम ही नहीं, पूरा बिहार उनसे उम्मीद लगाए हुए है कि कुछ नया करेंगे और अच्छा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये समाज सेवी मुन्ना चौधरी, अली भाई प्रखंड प्रमुख पचरुखी सहित तमाम लोग हैं और भी एक व्यक्ति हैं जी, सूर्यवंशम हॉस्पिटल के चेयरमैन साहब भी यहाँ मौजूद हैं, अपने हाथों में फूल माला लिया है जी। सर अपना शुभ परिचय दीजिए। हेलो, हाँ अपना शुभ नाम बताएं। भानु प्रताप सिंह, सूर्यवंशम। तो आप लोग किस लिए खड़े हैं सर? हम लोग माननीय सिवान के गांधी और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के लिए खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग कर्णपुरा बाजार पर खड़े हैं और ये सरकार जब से बना है नहीं तो ये पहली बार इसके बाद सिवान आ रहे हैं, तो इसके लिए स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कर्णपुरा बाजार से, मुन्ना चौधरी जी जिस तरह से सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। कितने केजी का माला लाए थे आप? 25 केजी के मालों के साथ भव्य स्वागत हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। सब लोगों को जो कर्णपुरा बाजार पर उपस्थित हुए हैं, जिन लोगों ने मुझे श्रद्धा के साथ माला पहनाने का काम किया, उन तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को, व्यवसायी भाइयों को, सभी वर्ग के बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, मुबारकबाद देता हूं और एक रहने के अपील करता हूं। और जो सरकार बनी है
यह सरकार सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना, बेरोजगारी मिटाने का व्रत लिया है और सभी नौजवानों को रोजगार देने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है, महंगाई को दूर भगाने की तैयारी हो रही है। इसलिए एकजुट रहिए, एक रहिए और 2024 के जमाना आ रहा है, देश कराह रहा है केंद्रीय व्यवस्था से, सरकार से। इसलिए 24 में एकजुट होकर के ये भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार, महंगाई कायम करने वाली सरकार को बदलने की जरूरत है और समता मूलक समाज के निर्माण के लिए लोहिया जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव जी और हमारे अन्य जो पुरखे हैं जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़े हैं, आज़ादी के लड़ाई रहे हैं, हम डॉक्टर राजेंद्र बाबू को नमन करते हैं, मौलाना मजलूल हक साहब को नमन करते हैं और हम आग्रह करेंगे कि आप लोग एक रहिए, एकजुट रहिए और लड़ेगा, संघर्ष करेगा वही पाएगा और जो डरेगा वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आउट ऑफ सब्जेक्ट, आउट ऑफ सब्जेक्ट, नो नो परिवार में कोई सदस्य दिखाई नहीं देता है।